आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज इंसाफ के लिए मायूसी का दिन है, ये गहरी मायूसी का दिन है उस इंसाफ के लिए जिसकी मांग लेकर इंडिया गेट के कोने कोने पर पहुंचे थे दिल्ली वाले। ये मायूसी का दिन है उस परिवार के लिए, उस माँ के लिए, उस पिता के लिए जिसने अपनी आंखों के आगे अपनी बच्ची की सांसों की डोर को टूटते हुए देखा था और कहा था कि अगर इंसाफ मिलेगा इस देश में, अगर इस देश की अदालतें उन तमाम गुनहगारों को मेरे बेटी के साथ हुए इस बलात्कार की सजा देंगी तो शायद उसकी रूह को शांति मिलेगी। लेकिन शायद एक समाज, एक देश, कानून व्यवस्था के रूप में हम आज बिखर गए हैं और बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। जी हाँ, 16 दिसंबर 2012 से शुरू हुई बहस 3 साल बाद एक बार फिर से वहीं पर खड़िया हो गई है जहां से ये बहस शुरू हुई थी। वहशी दरिंदों का शिकार बनी निर्भया को क्या इंसाफ मिलेगा? इस सवाल पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। कानून और समाज के जाने माने लोग इस बहस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आज एक बार फिर हम ये बहस क्यों करने को मजबूर है। आज ये तय हो गया है कि 16 दिसंबर की रात निर्भया के साथ जो आरोप है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा दरिंदगी से पेश आने वाले नाबालिग को रिहा किया जाएगा, क्योंकि जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक उसे 3 साल से ज्यादा सजा दिए जाने का कानून नहीं है। जो हाईकोर्ट का फैसला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 28 मार्च को अगली सुनवाई में कमेटी रखे अपनी रिपोर्ट, 28 मार्च को मामले से जुड़े सभी पक्ष अपनी राय रखे, लेकिन इन सब के बीच उसकी रिहाई को लेकर अब नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है। बहस इंसाफ पर है। निर्भया हो अब का जो दोषी है, नाबालिग दोषी है, वो रिहा होगा। कितना अधूरा दिखता है ये इंसाफ। सरकारी वकील क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। उसको रिलीज तो करना ही पड़ेगा, मगर जो उसको रिहैबिलिटेशन की प्रोग्राम जो है और जो भी है प्रावधान उसके देखभाल के लिए और उसको ठीक से उसकी परवरिश हो वो सरकार करे, इसके ऊपर कोर्ट ने कहा है। सर कोर्ट ने क्या कहा है? सर कोर्ट ने क्या कहा है? सर हाउ डू यू रिएक्ट ऑन टुडेज ऑर्डर? हाउ डू यू रिएक्ट ऑन टुडेज ऑर्डर? हाँ, वो रिलीज होगा, मगर जो भी प्रावधान है उसकी परवरिश के लिए सरकार उसके देखभाल करेगी और सब कुछ करेगी। मेरा भाई कहाँ है? सर रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कहा गया? क्या पता? रिहैबिलिटेशन यही है कि उसकी परवरिश के लिए और जो भी एजेंसीज हैं उसको देखेगी और कोशिश करेगी उसके अंदर परिवर्तन आए, मगर उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। सारे देश को सेटबैक हुआ है, पूरे हमारे दिल्ली की सड़कों पे फिर आतंक फैलने वाला है 20 तारीख के बाद, और ये इस वजह से कि आप राज्यसभा में ये लॉ पास नहीं कर पाए। दिल्ली ने यही कहा है कि इसमें लेजिस्लेटिव जो है 3 साल से ज्यादा हम रख नहीं सकते, लेकिन जो उसकी पोस्ट केयर है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी देखभाल और जो उसकी परवरिश जैसे भी होनी चाहिए वो उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। कितने खोखले निकले वो तमाम वादे और दावे जो लोगों ने सड़कों पर किए थे। कहा था निर्भया को हर हाल में इंसाफ देंगे। आज वो मां पूछ रही है उस बेटी की, कहां हुआ तुम्हारा इंसाफ का वादा? कहां चला गया वो? क्यों मेरी बेटी के सबसे बड़ा जो गुनहगार था वो अब सड़कों पर रिहा होकर घूमेगा? निर्भया की माँ हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो फैसला आया है कहीं ना कहीं 3 साल के जो आपके एफर्ट थे वो बिल्कुल मेरा जो 3 साल की मेहनत थी आज मैं फिर एक बार हार गई और क्राइम जीत गया। कोर्ट ने कहा है कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, यानी ये कमेटी देखेगी, आपको लग रहा है उस सुधारने की गुंजाइश है? नहीं, ये मुझे और समाज को गुमराह किया जा रहा है। बाकी वो जो छूट गए तो छूट गया, हमारे लिए वो आजाद है। आज 3 साल पहले भी आजाद था, आज भी आजाद था, लेकिन मुझे थोड़ी सी आस जगी थी कि अगर हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है तो शायद कुछ अच्छा फैसला आए, लेकिन यहाँ से भी मुझे निराशा मिली। अब आपका आपके क्या सोचा आगे? लड़ाई अपनी जारी रखेंगे? हाँ बिल्कुल जारी रखेंगे, आगे अब सोचते हैं क्या कर सकते हैं। किस तरह से आपने सोचा? समाज को जोड़ेंगे, लड़कियों को जोड़ेंगे, कैसे करेंगे? समाज को जोड़ेंगे, लड़कियों को जोड़ेंगे और कोर्ट तक भी जाएंगे। आपने ये एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल, कि आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आप इख्तियार करेंगे इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बिल्कुल तय करेंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब क्या करेंगे? ये थी निर्भया की माँ जो बता रही थी कि किस तरह से लगातार इस मामले में 3 साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है और जुवेनाइल जो है उसकी रिहाई अब 20 तारीख को हो जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।
इस दर्द की गहराई को आप इस बात से समझ सकते हैं कि कहते हैं अगर ऐसा बलात्कार हुआ हो तो विक्टिम का नाम नहीं लेते, लेकिन उस कानून को दूर कर अब रुसवाई का जरा सा भी गम या एहसास नहीं है उस मां को। उसे हर हाल में इंसाफ चाहिए था और वो इंसाफ उसे नहीं मिला है। हम आपको सुनाएंगे इस देश के जो रहबर हैं, जी हाँ इस देश के नेता जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अमेंडमेंट राज्यसभा में पास हो, जो सोए रहे उस पर क्योंकि अपने अपने सियासी मुद्दों पर उनको हंगामा बरपाना ज्यादा पसंद आया है, वो सब कहां कहां फेल हुए, क्या कह रहे हैं इस पर। लेकिन उससे पहले आपका परिचय दो खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। केटीएस तुलसी साहब वरिष्ठ वकील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल सांकला जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन इन आप दोनों से चर्चा करने से पहले मैं चाहती हूं कि जरा तुलसी साहब दिखाएं अपने दर्शकों को कि राज्यसभा में जो कानून पास होना था, जिस पर आगे काम होना था, क्यों सोए रहे नेता, अब क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सुन लीजिए। पहले माननीय कोर्ट के जो भी फैसले हैं वो बनाए हुए कानून की परिधि से बाहर नहीं हो सकते, इसलिए कोर्ट ने जो भी कहा है उसके आगे के जो रास्ते होंगे वो निकालने होंगे और उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती। लेकिन यह सत्य है कि अपराधी इस प्रकार से किसी भी आयु के हों, अगर वो खुलेआम घूमेंगे और उसके परिणाम स्वरूप जो देश की स्थितियां बनेंगी, समाज की जो स्थितियां बनेंगी, इसके रास्ते कुछ सोचने जरूर होंगे, मैं बहुत चिंतित हूँ। देखिए फैसला कोर्ट ने लिया है कानून के तहत और वो तो सबको मान्य होगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के दिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भी दूसरे बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं ये पेंडिंग है पार्लियामेंट में और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। इन्होंने पूरे पार्लियामेंट सेशन को ये इतना ऐसे श्रिंक करके रख दिया है कि एक तो इन्होंने ये दिखाना चाहा कि जीएसटी के अलावा कोई भी और बिल इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कानून का डर नहीं रहा, छोड़िए अब लोग डर रहे हैं क्योंकि वही शख्स अब सड़कों पर उतरेगा दिल्ली के। सवाल केटीएस तुलसी साहब मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूँ कि ये इंसाफ अधूरा है उस माँ के लिए जो ये कह रही है कि मैंने अपनी बेटी की सांसों की डोर को अपने आगे टूटते हुए देखा है, उसने बताया था अपनी माँ को कि क्या कुछ उसके साथ हुआ है। वो कहती है कि सबसे बेरहम गुनहगार अगर इस रेप कांड का कोई है तो वो लड़का है और अब वो अब रिहा हो रहा है इस देश के कानून के तहत। मैं सहमत नहीं हूं आपसे, ये कहना कि ये इंसाफ अधूरा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इंसाफ होता है कानून के मुताबिक, इंसाफ जो पीड़ित है उसके राय के ऊपर नहीं निर्भर करता। ये कानून जो है ये बिल्कुल आंख बंद करके फिर किसके लिए है ये कानून करता है, फिर किसके लिए है ये कानून तुलसी साहब, सवाल कानून, ये है, एक सेकंड सर, कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए है, तो फिर जब वो कानून इंसाफ नहीं दे सकता है, अगर एक माँ बता रही है कि ये जुवेनाइल सबसे बेरहम तरीके से, सबसे बर्बर तरीके से, सबसे खतरनाक तो, तरीके से उस रेप तो कांड का हिस्सा था, एक सेकंड सर, उस रेप कांड का हिस्सा था, वो कहती है कि उसको आपने फ्री कर दिया है, मतलब आपने इंसाफ नहीं दिया है मेरी बेटी को, उसका जवाब क्या है आपके लिए? नहीं, जवाब यह है कि जो कानून आप बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में पेंडिंग है उसमें सिर्फ उम्र कम की जा रही है और वो प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। संविधान के अंतर्गत जो कानून जिस वक्त जुर्म हुआ उस वक्त लागू था उसी के मुताबिक मुकदमे का फैसला होता है। आज अगर हम कानून बदल भी देते हैं और जो पहले भी बदला गया वो कानून इनके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। ये एक 500 साल से सारे जितने भी सभ्य देश हैं उनमें ये कानून है और भारत के संविधान में भी यही कानून है। कानून का आदर करने की आवश्यकता है, ये इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ बात नहीं बनेगी। मैं पीड़ित की माता जो हैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जो कानून है
उसके मुताबिक ही फैसला होना था। ठीक है, कानून से मुताबिक फैसला आएगा, लेकिन उनके दर्द का अपमान इसको इमोशनल आउटबर्स्ट करके मत कहिए कम से कम केटीएस तुलसी साहब, क्योंकि हम और आप बहुत दूर से उसको देख चुके हैं। हम और आप सर बहुत दूर से ऐसे मामलों को देखते हैं। जब किसी के घर में होता है, जब किसी की खुद की बेटी के साथ, आपकी इमोशनल आउटबर्स की बात कर रहा हूँ सर। चलिए मेरी छोड़ दीजिए, आप उन तमाम लोगों को क्या समझाएंगे जो ठंड में पानी की बौछारें झेलकर इंडिया गेट पर उस दिन टिके रहे, दिन रात पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज तक किया। वो सभी लोग इमोशनल आउटबर्स्ट के ही शिकार होंगे इस देश में, लेकिन इंसाफ की बात कोई तो करेगा ना। वो सब इमोशनल आउटबर्स्ट के शिकार। देखिए, आप उन तीन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको मौत की सजा हुई। आप सिर्फ एक बात कर रहे हैं जिसमें कानून के मुताबिक जो भी सबसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सकती थी और जिस तरह से दी जा सकती थी, मेरे सवाल का जवाब दी गई। तो इस आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपने कहा इमोशनल आउटबर्स्ट? मैंने आपसे पूछा कि क्या इतने लोग जो वहां पर पहुंचे थे और इस तरह की पुलिस की लाठीचार्ज तक का सामना कर रहे थे, सब इमोशनल आउटबर्स्ट के शिकार थे या उनमें इंसाफ की एक आस थी? और कानून इस देश में इंसाफ की छवि बनाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इंसाफ करने का। जितने लोग इकट्ठे हुए थे उनकी वजह से कानून ने इतनी जल्दी इंसाफ किया। तीन लोगों को मौत की सजा भी मिली। ठीक है, साथ साथ मैं आपका रिएक्शन अब इस पर चाहता हूं। जी कपिल जी, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि हम ये सोचकर इस वक्त डर रहे हैं कि जिसने इतनी बर्बरता से, क्योंकि इस केस में जो बर्बरता थी वही शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही थी, रातों की नींद लोगों की उड़ा रही थी कि बर्बरता से सब कुछ हुआ। आरोप लगा कि जुवेनाइल ही सबसे बर्बर था उनमें से, वो जुवेनाइल अब सड़कों पर निकलेगा, इससे लोग डर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जना कि आज नेताओं के हाथ पूरे हिंदुस्तान का रेप हुआ है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है जो हुआ है। कोर्ट्स के हाथ बंधे हुए होते हैं, आंख पे पट्टी होती है, उनको वही फॉलो करना पड़ता है जो कि लॉ है। पर लॉ अमेंड किया जा सकता था, बेटर प्रोसीजर्स बनाए जा सकते थे, जो कि नहीं किया गया क्योंकि पॉलिटिशियंस अपनी ही गेम्स में ज़्यादा बिजी थे। जहां तक का सवाल है कि आज हिंदुस्तान का हर नागरिक डर के बैठा है कि ये आदमी निकलेगा क्या करेगा। आईबी की भी एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि ये निकलेगा तो इसको जो टेररिस्ट हैं वो अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ पीस होने की इमिनेंट डेंजर है, अभी पीपी साहब ने भी यही बोला, ब्रीच ऑफ पीस होने का इमिनेंट डेंजर है। तो सरकार अभी भी, पुलिस अभी भी 107 और 151 में उसको अरेस्ट करके रख सकती है जब तक कि ब्रीच ऑफ पीस का डर हटे नहीं। पर क्वेश्चन ये है कि कौन ये एक्शन लेगा। कई बार लगता है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम भूल गए हैं कि किस बर्बरता से 16 दिसंबर की उस रात निर्भया के साथ वो घटना घटी थी। क्योंकि उस वक्त तो पूरा देश उठ गया था, घर से निकल गया था, सड़कों पर निकल गया था और इंसाफ की मांग की थी। मां कहती है सबसे बर्बर गुनहगार ये लड़का है, वो लड़का अब रिहा हो रहा है। इन सब के बीच एक बहस देश में छिड़ गई है। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल इस पर क्या कह रही है, फिर चर्चा को आगे लिए चलेंगे। निर्भया का नाबालिग दोषी 20 दिसंबर को रिहा होगा। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी हैं। पहला रिएक्शन क्या, जिस तरह दिल्ली हाईकोर्ट से उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ऐसा डिसीजन आएगा शायद रिहाई रुक जाएगी, लेकिन उस हिसाब से फैसला नहीं आया, क्या रिएक्शन? माननीय हाईकोर्ट के डिसीजन को एग्जैक्टली तो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अब वो आदमी शायद 20 तारीख को खुला घूमेगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस से बैठी थी। मुझे लग रहा था कि पूरा, मुझे होप थी कि किसी तरीके से हाईकोर्ट इंटरवीन करेगी और किसी भी हाल में निर्भया के रेपिस्ट को किसी भी हाल में खुला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन वो खुला छूटेगा। और मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए आज एक बहुत ही डार्क डे है और बहुत ही दुख भरा दिन है कि इस तरीके से हम जितनी निर्भयाएं रोज हो रही हैं हमारे देश में, उनको हम क्या जवाब देंगे। और मैं अपील कर रही हूं, मैं अभी पत्र लिख रही हूं, मैं प्रेसिडेंट को भी लिख रही हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली को लिख रही हूं और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लिख रही हूं कि कुछ तो करें किसी। लेकिन वो कुछ करने का स्कोप कितना है, क्या ऐसा हो पाएगा जैसा वो कह रही हैं? बहरहाल सीधे रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीके आनंद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आपको याद हो, राम सिंह की तरफ से इन्होंने वकालत की थी और राम सिंह वो दोषी है जिसने खुद ही फांसी लगा ली थी जेल में।
तुलसी साहब, मैं आपसे शुरुआत एक बार करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आपसे यही पूछना, सवाल यह है कि अगर इस पर कानून में बदलाव के बाद भी, चूंकि ये उसके पहले की घटना है, उसमें चेंज नहीं आता, अब इस पर क्या हो सकता है, क्योंकि माँ का ये कहना है कि ये इंसाफ नहीं है। नहीं, ये इंसाफ है। ये आंख के बदले आंख वाला कानून नहीं है भारत में। ये कानून जो है वो बहुत सारे देख के, तथ्य देख के और बहुत सारे हालात देख के बनता है, और कानून सैकड़ों साल चलता है। तुलसी साहब, ये बात आपकी समझ नहीं आई मुझे। परफेक्ट नहीं होता। तुलसी साहब, आपकी ये बात समझ नहीं आई मुझे। आंख के बदले आंख कानून नहीं है, रेप के बदले रेप कौन कह रहा है? क्योंकि रेप तो शायद अपराध का सबसे विभत्स रूप है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये सबको पता है सर कि आंख के बदले आंख का इस देश में कानून नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस केस में अब क्या हो सकता है, क्योंकि वो माँ बार बार ये कह रही है कि ये इंसाफ नहीं है। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। आंख का आंख नहीं है, वो पता है हमें जी। अगर आपने रूल 55 पढ़ा हो, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी पूरी निगरानी रखेगी इसके ऊपर अगले 2 साल जी, और वो रिव्यू करेंगे उसकी प्रोग्रेस, वो उसकी एडजस्टमेंट हुई है सब समाज में कि नहीं, उसको रिव्यू करेंगे। हाँ। उसके घर में कोई तब्दीली की आवश्यकता है, वहाँ नहीं रहना, दूसरी जगह रहना है, वो प्रावधान कर सकते हैं। उसके लिए खास प्रोग्राम जी बनाए जाएं जिसके साथ उसकी एजुकेशन, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, और ताकि वो समाज में एक स्वस्थ नागरिक बन के कानून के मुताबिक रह सके। और अगर इसकी कोशिश की जाएगी। तुलसी साहब जल्दी से, चूंकि सांकला साहब ने ये मुद्दा उठाया था, चूंकि अभी का रिव्यू ये बताता है कि रेडिकलाइजेशन, हालांकि हिंदी में इसके लिए एग्जैक्ट शब्द क्या है जो हमें समझ में आ रहा है, वो कट्टरपंथ सोच की तरफ वो बढ़ रहा है, ऐसी रिव्यू के जरिए जानकारी मिली है। तो इसके मद्देनजर क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन उसे डिटेन किया जा सकता है? ये बिल्कुल दुरुपयोग होगा। उसको रिहैबिलिटेशन का मौका दिया जाएगा और जो एक्सपर्ट्स हैं वो तय करेंगे। ना आप तय कर सकते हैं, ना मैं तय कर सकता हूं। ये मीडिया की ट्रायल तो नहीं हो सकती, ये कानून के मुताबिक ट्रायल होगी, और जो बोर्ड है उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो उसकी मानसिक हालत को बाकायदा पिछले 3 साल से देखते आए हैं और अभी भी देख रहे हैं। अगर वो सोचेंगे कि इसके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, तो सर्वेलेंस हो सकती है। सर्वेलेंस में उसके ब्रेसलेट अगर डालेगा तो जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे पता चलेगा, पुलिस एकदम वहाँ पे उसको पकड़ सकेगी। ऐसी कोई भी अगर इस पुलिस भारत देश जो है, किस पुलिस पर भरोसा करें सर? एक आदमी जो मतलब है आपको वो लगता इतना है एक शख्स की 24 घंटे पुलिस सर्वेलेंस करेगी और वो कहां पहुंचता है इससे पता चल जाएगा कि वो क्या अपराध करने वाला है? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा जी, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि पुलिस के पास अगर इसको ब्रेसलेट भी दे दी जाए तो कहां पे वो है, वो एक मिनट में उनको लाइव पता चलेगा। आज भारत का देश जो है ये इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, उसको बाकायदा उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है और उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और जो एक्सपर्ट्स हैं वही जाके फिर दोबारा रिव्यू करेंगे। और एक्सपर्ट्स को ये लगे, अगर वो एक्सपर्ट्स को लगे कि वो बाहर रहने के काबिल नहीं है, हाँ। तो उसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये कानून में कल अगर ये पता चल जाए कि एक्स आदमी कोई क्राइम करने वाला है, कहीं बम फोड़ने वाला है, टेररिस्ट बन रहा है, टेररिस्ट के साथ मिलने वाला है या मिल चुका है, तो आप इंतजार करेंगे कि जब वो बम फोड़ देगा तब उसको अरेस्ट करेंगे, या आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के लिए उठा के लेकर आएंगे? सारी की सारी लॉ इसी बात पे कहती है कि आपकी डिटेंशन या इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंटिव होनी चाहिए, पोस्ट क्राइम नहीं होनी चाहिए। यहां पे आपके पास पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि ये आदमी रेडिकलाइज हो चुका है, ये निकलते ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, यहां पे लड़ाइयां हो सकती हैं, बम फूट सकते हैं, आपको यह मालूम है कि ब्रीच ऑफ पीस होने का इमिनेंट डेंजर है। हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है जहां इमिनेंट डेंजर हो
तो आप उसको कस्टडी में, प्रिवेंटिव कस्टडी में रख सकते, तुरंत ले सकते हैं, तुरंत ले सकते हैं, तो व्हाई आर वी स्टॉपिंग। मैं वेरी फ्रेंकली आपसे कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है ये जो आप लोग जो कह देखें, मुझे बहुत अफसोस है, परेशान है कि ये हादसा हुआ। मेरे सेंटीमेंट्स और सब सिंपैथी मैं उनके साथ है, फैमिली के साथ है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है, वी आर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात हमसे कीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सुधार गृह बना है या आपका जूलियन बोर्ड ने अल्टीमेटली ये जो बनाया गया है बच्चों के लिए सुधार गृह है, क्या इतना वो फेल हो चुका हुआ है कि वहाँ पर आतंकवादी अंदर पहुँच चुके हैं उसका माइंड को वॉच करने के लिए? मतलब सुधार गृह के जो ऑफिसर्स जो हैं कंसर्न, वो तो अल्टीमेटली उसका सुधार नहीं कर पाए, तो वहां पर लोग अल्टीमेटली पहुंच गए हैं उसके माइंड को, ब्रेन को वॉश करने के लिए, उसको आतंकवादी बनाने के लिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपको फिर बताऊं रीजन क्या। देखिए वी आर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉ है, उसके मुताबिक उसको कहीं ना कहीं अगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं अगर प्रिवेंटिव का ऐसा रास्ता बनाया जा सकता है। जेल में किसी पर बैड इन्फ्लुएंस नहीं पड़ सकता, आप ये कह रहे हैं, या जुवेनाइल होम में किसी पर खराब इन्फ्लुएंस नहीं पड़ सकता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो अभी मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट भी ये कहती है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि आईबी की रिपोर्ट अगर कहती है जो जो लोग अंदर उसके दिमाग को वॉश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? जो इनके पास एप्रीहेंशन है कि अंदर उसके माइंड को वॉश किया गया है, उसके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, वो आतंकवादी बन सकता है, वो बम फोड़ सकता है। मैं कहता हूं कि जो लोग उसके माइंड को वॉश कर रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़ती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का इतनी निहत्थी हो चुकी हुई है, उसको ये नहीं पता कि मैं तो फिर कहता हूं ऐसी इतनी निहत्थी गवर्नमेंट, ज्वेलियन बोर्ड को खत्म कर दीजिएगा, सुधार गृह की बातें मत कीजिएगा किसी प्रकार की, ऐसे करने की जो है एक ही बात, अगर सुधार करना चाहते हैं तो क्या 3 साल थे इस गवर्नमेंट के पास जो है उसके ऊपर नजर रखने के, उसको वॉच करने के जो है, क्यों नहीं करती ऐसा काम? तुलसी साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल बात सही है, अंदर उसको रेडिकलाइज किया गया, अगर ये सरकार के पास खबर थी तो क्या क्यों कार्रवाई नहीं की गई? ये तो बहुत निकम्मी सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को अरेस्ट नहीं किया। जो लोग सुधार गृह के मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं, हाँ। उन्होंने किस तरह से ये सुधार गृह बनाया? ये तो सुधार की बजाय बिगाड़ गृह गृह बन गया। लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ डिफ्लेक्ट कर देने से उसका हल नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसा रेडिकलाइजेशन हो गया है, कट्टरपंथी सोच हो गई है, तो उसके उपाय में क्या एहतियातन उसको अरेस्ट किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं कह रही हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, आपको इसलिए रोक रही हूँ सर, इसलिए रोक रही हूँ कि आप बने रहिए हमारे साथ। आशा देवी जी हमारे साथ, निर्भया की माँ, इस वक्त जुड़ गई हैं। आशा जी और साथ ही उनके पति बद्रीनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशा जी, मैं इस दौरान हमेशा आपसे मिलती रही हूँ, अंजना बोल रही हूँ स्टूडियो से, और मुझे पता है कि कितनी मुश्किल घड़ी है ये आप दोनों के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमेशा मुझे बताया है कि कितना बर्बर तरीके से इस दोषी ने 16 दिसंबर की उस रात अंजाम दिया था, ये आपकी बच्ची आपको बताती रही है। आज दुख और पीड़ा किन शब्दों में बयां करेंगी? देखिए, मैं दुख और पीड़ा तो बयां करते करते 3 साल निकल गए, सबके दर पे जा जाके हाथ जोड़ के भी इंसाफ की भीख मांगी मैंने कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन इसका किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 3 साल का संघर्ष का फल निकल के ये आया, आज हमारे सरकार ने, हमारे कानून व्यवस्था ने अपनी व्यवस्था, अपने व्यवस्था दिखा दी समाज को कि आप, हम कुछ नहीं कर सकते, आप 18 साल की उम्र तक कुछ भी करो, किसी महिला के साथ रेप करो, किसी का मर्डर करो, हम आपको कोई सजा नहीं दे सकते, हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं है। जिसका जब ये पटीशन पड़ी, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी कि अगर हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफियर किया है तो जरूर फैसला समाज के हित में आएगा। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए उम्मीद रखी कि हाई कोर्ट के पास हमारी बच्ची का केस होके निकला है, तो उनको सब कुछ पता है कि उस बच्ची के साथ उस रात को क्या हुआ था, किस तरह की बर्बरता हुई थी। लेकिन मुझे आज जब वहाँ पता समझ आया कि सारी बातें तो नहीं समझ आई, लेकिन इतना समझ आया कि वो संडे को निकलेगा, हम उसको रोक नहीं लगा सकते, और हम फैसला जय जय बोर्ड पोर्ट छोड़ते हैं, तब मैं समझ गई कि हमें जो हम उम्मीद रखे थे वहाँ से हमें निराशा मिली। क्योंकि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, आज 3 साल से बस बहस होती रही, संसद चलता रहा, इस पे कोई विचार क्यों नहीं किया?
आज जब उसको दो दिन छोड़ने का समय बचा है तो सबको लग रहा है कि नहीं कानून नहीं बना तो ये नहीं बना, रूल नहीं है। अरे आप कब रूल बदलोगे, कितनी बच्चियों को बलिदान दोगे? ये तो समझो, कहते हैं कि हमारे कानून में रूल नहीं है, ये कानून कौन सा कानून में लिखा है कि नहीं एक बच्ची के साथ छः लोग गलत काम कर सकते हैं, उसको जिस तरह से मारा गया है उस तरह से मारा जाना चाहिए, ये कानून में लिखा है? तो अगर मुजरिम क्राइम कानून तोड़ के क्राइम करता है तो आप कानून तोड़ के उसको सजा नहीं दे सकते? आपका कानून कौन बनाता है? ऊपर से भगवान थोड़ी बनाने आता है, इंसान तो बनाता है। तो अगर इंसान बना, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। रंजना कुमारी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। बद्रीनाथ जी, मैं अब एक बार आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये वो लॉ की तस्वीर है जो आपने पीछे लगाई हुई है अपने, और अब तो आप दोनों ज्योति का नाम भी लेते हैं सबके सामने। आंख मिलाने की हिम्मत होती है, नजरें मिलाने की हिम्मत होती है, क्योंकि आप दोनों का ये मानना है कि ये इंसाफ नहीं हो सकता? आवाज थोड़ी कम आ रही है। बद्रीनाथ जी, जो आपके मन में इस फैसले के बाद बात आ रही है वो प्लीज बोले। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट क्या फैसला दिया ना दिया, ये तो बात की बात है। कोर्ट निर्बल हो सकती है, कानून निर्बल हो सकता है, संसद निर्बल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप देखो कि कोर्ट के पीछे लिखा होता है सत्य में हो जाते, यहाँ सत्य तो दिखाई दे नहीं रहा तो उसकी जय होगी कहाँ से? लेकिन सब विवश है, बद्री नहीं विवश है, निर्भया का पिता विवश नहीं है, आगे भी लड़ाई लड़ेगा और चाहे जहाँ भी जाना होगा वहाँ चलेगा जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक निर्भया की बात नहीं रह गई है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से जितने भी जुवेनाइल हैं सबको मनोबल बढ़ गया और सबको राइट दे दिया कोर्ट ने कि तुम कुछ भी करोगे हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तो आज आने वाले समय में 10 साल में आप देखिएगा कि रोड पे औरतों को चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं कोई, उस समय हमारी कोर्ट क्या करेगी? ऐसे हाथ में हाथ धर के रह के बैठ जाएगी? लेकिन नहीं, ये सिर्फ कोर्ट अपनी व्यवस्था दिखा रही है, क्योंकि ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं ना करने के मूड में है, एक दूसरे पर थोपा लगा देते हैं कि ये संसद का काम है तो संसद का तो कोर्ट का काम है। अरे संसद कोर्ट के बीच में जनता क्यों पीस रही है? छोटी छोटी 2.5 साल 5 साल की बच्चियों को पीस रही है, इतनी भी नज़र नहीं आ रही है कि आंखें फूट गई सरकार की? उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर आज नहीं समझोगे तो जनता समझाए देगी आप लोगों को, जैसे भी होगा। तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि जिस समाज ने आपको वहाँ कुर्सी तक पहुँचाया है उसी समाज की समस्या है ये, और उसको हल नहीं करोगे तो आप समझो आपका कानून समझेगा। तुलसी साहब, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि आपने ये कहा था कि जो हुआ है न्याय संगत है और यही सही है, उसके बाद मैं रंजना जी आपके पास आऊंगी। न्याय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि हर एक सिचुएशन के लिए कहीं वो निर्बल है कहीं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है। मगर हम ना तो टीवी स्टूडियो में इंसाफ का तकीजा कर सकते हैं कि मीडिया अदालतों को बंद कर दे और मीडिया फैसला करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज कानून को समझना पड़ेगा कि रूल 17 जो है उसमें प्री रिलीज और पोस्ट रिलीज प्लान बकायदा बनता है, और इस केस में भी बना होगा, और उसमें और भी ज़्यादा एहतियात बरती जाएगी। रूल 50 जो है वो इंडिविजुअल केयर प्लान बनाता है, ये नहीं है कि वो उसको छोड़ दिया तो बिल्कुल वो जहां मर्जी जाएगा। मगर फिर रूल 65 में रेस्टोरेशन ऑफ द जुवेनाइल इन हिज फैमिली, उसके लिए क्या करना है, फॉलो अप एक्शन बकायदा होता है। तो ये जो कानून है इसमें उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अच्छा नागरिक बन के साबित करे। अगर वो नहीं करता है तो कानून फिर उसको कार्रवाई करेगा, जो भी अगर कोई जुर्म करता है तो फिर उसको दोबारा, अब तो वो नाबालिग नहीं है। आशा देवी जी, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि चूंकि न्याय के आधार पर ये हुआ है
और इसीलिए इमोशन यानी भावनाओं से बहकर ऐसे फैसले नहीं लिए जाते और कानून ने ये किया है और जो उसके लिए प्लानिंग बनाई जा रही है उसके मुताबिक वो आने वाले वक्त में एक अच्छा नागरिक बनेगा। देखिए मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ, क्यों कि ये बार बार ये होता है, बार बार जब घटना होती है, जब होता है, हमारी घटना हुई थी तब भी होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज पता नहीं कितने साल पुराना कानून है, समय के साथ सब कुछ बदलता है तो कानून क्यों नहीं बदलता? समय के साथ क्राइम बदल गया, समय के साथ बच्चों में जल्दी मैच्योरिटी आ गई, तो ये कानून क्यों नहीं बदला जाता? लेकिन ऐसे लोगों के वजह से ही न कानून बदल पाता है न समाज में सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है, क्योंकि ये अपने पढ़े लिखे का फंडा ऊपर रखते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं, हम जो फॉलो कर रहे हैं वही सर है। अरे लेकिन उस परिवार से पूछिए ना जिसकी बच्चियां खत्म हो जाती। तो अभी मैं पहले भी पूछी थी कि क्या ये कानून में लिखा है कि नहीं, एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ छह छह लोग बलात्कार करें और उसको जिस तरह से मारा गया उस तरह से मारें, ये कानून में कहाँ कानून में है? अगर कानून में नहीं है, मुजरिम क्रिमिनल क्राइम कानून तोड़ता है तो उसको कानून से हट के सजा क्यों नहीं दी जा सकती? रंजना जी, तब तो आपको कानून फॉलो करते करते हजारों बच्ची हम बलि चढ़ जाएंगे, या आप एक क्रिमिनल को लेके पोसते रहो कि नहीं हम जेल से निकाल देंगे और कमेटी में रखेंगे। वो तो वही चाहता है कि हम अपने घर ना जाके हम कमेटी में जाएं, हमें नौकरी मिले, हमें पैसा मिले, उसका परिवार चले। मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ कि कानून बदलना चाहिए। तो आप लोग कान में रुई डाल के अलग बैठ जाओ, आपको तो हमारे सामने बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप विक्टिम का दुख नहीं समझते, आपके साथ ये गुनाह नहीं होता है। तो आप लोग कान में तेल डाल के जैसे सब लोग बैठे हैं कि हम कानून नहीं बना सकते, हमारे कानून नहीं है, उस तरह से अलग बैठ जाओ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कानून बदलना चाहिए और जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। मैंने उसकी पूरी कोशिश की है। अपनी एक बात कहने हाँ, रंजना जी कोई बात सुनता आशा पास कोई नहीं। मैं देखिए आशा देवी बिल्कुल सही कह रही हैं, आशा जी और बद्री जी के हम लोग साथ हैं। और मैं तुमको एक बात बता दूं, आज ये स्पष्ट हो गया कि कानून हमारी कोर्ट हमारा जो पार्लियामेंट बैठा है उसको सबसे पहले तो आम व्यक्ति के परिवारों की, उनकी बेटियों की, उनकी महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, तमाम लच्छे हैं कि कानून में इमोशन नहीं चलता है। हमें भी मालूम है कानून के तहत, आज के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हम भी पढ़े लिखे कानून के हैं कि उसके तहत को हाई कोर्ट का कोई बनता नहीं था, क्योंकि ये तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मामला है जिसकी जुरिसडिक्शन में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये हुआ।